फर्स्ट चीज़ तो सुनने में करवाइए, वो तो पहले आईपी एड्रेसेस वगैरह देखना बताए थे ना कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट्स के, और उसके बाद हम लोग मैक एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करवाई थी। इसकी मैं अलग से वैसे वीडियो बना दूँगी, लेकिन मैंने ख्याल वो कल हमें सर्वाइवर में लेंगे। जो हमने पहली चीज़ की थी वो तो यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें थी। एक तो हमने देखा था, जब हमने आईपी एड्रेसेस देखे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक हमारा था कि हम डायनेमिकली वो आईपी एड्रेस जो था वो एलोकेट किया हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना देखा था, चेक किया था कि हम नेटवर्क पे जाके वहाँ से चेक कर रहे थे, तो वहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस है वो डायनेमिकली था। और सर ने वहाँ पे हमें करके भी दिखाया था कि अगर हम चाहते हैं तो हम अपना स्टैटिकली भी दे सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ, डायनेमिकली टेबल इज़ द वन दैट इज़ अपडेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज़ अ चेंज समवेयर इन द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट चेंज कर रहे थे या उसका कोई ब्राउजर ओपन कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो हम लोग अपनी पोजिशन चेंज करते तो वो हमारा आईपी एड्रेस था वो चेंज हो जाता था। लेकिन अगर हम लोग खुद से देना चाहते थे, हम लोग स्टैटिकली भी दे सकते थे, और हम लोगों ने वहाँ पे उसका सबनेट मास्क भी देना होना था और गेटवे भी असाइन करते थे। तो राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर दैट लेट्स द राउटर्स इन द इंटरनेट इन्फॉर्म ईच अदर ऑफ द चेंजेस। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हमारे ना ये जो क्रॉसेस लगे हुए हैं, इनको सपोज कर लो कि हमारे हैं राउटर्स लगे हुए हैं और ये एक चार नेटवर्क्स हैं डिफरेंट बने हुए हैं, ठीक है। इनमें क्या है कि ये राउटर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं और इनके दरमियान कोई पीसीज वगैरह लगे हुए हैं, कोई कंप्लीट नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि लेट्स द राउटर इन द इंटरनेट इन्फॉर्म ईच अदर ओके ऑफ चेंजेस, यानी कि ये राउटर्स जो है उनके पास एक एक टेबल है जो डिफाइन करते हैं कि हाँ भाई ये मेरे पास ना ये आईपी एड्रेसेस के पीसीज या डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड हैं, दूसरा बताएगा कि मेरे पास ये वाले कनेक्टेड हैं, तो वो राउटर्स आपस में अपना जो टेबल है ना वो शेयर करते हैं, उसके अंदर उनको बताया होता है कि मेरी डिवाइस कौन सी, उसका आईपी एड्रेस कौन सा है, क्या है। तो वो जब आपस में जब भी डाटा सेंड करना होता है तो उसे पता होता है राउटर को कि ये मुझे किस आईपी रेंज के अंदर वो डाटा सेंड करना है, ठीक है। ये वाला राउटर यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे दरमियान में लाइन लगी हुई है कनेक्शन की, ठीक है। अब इसके पास जो है अपना एक आईपी मतलब टेबल है, राउटिंग टेबल है, इसका राउटिंग टेबल भी इसके पास है, इसका वाला भी इसके पास है। अब इस राउटर पे एक पीसी है जिसने जो अपना डाटा है ना किसी और मतलब राउटर को भेजना है, किसी इस पीसी के इस राउटर के जो पीसी है उसके पास भेजना है, तो वो क्या करेगा, वो राउटर को डाटा सेंड करेगा। अब राउटर जो है वो राउटिंग टेबल में से चेक करेगा ये कौन से आईपीज की रेंज है, अब वो आईपी की रेंज चेक करेगा और फिर देखेगा कि वो आईपीज की रेंज इस राउटर की है या इस वाले राउटर की है। वो जिस राउटर की आईपी रेंज होगी वो उस राउटर को वो डाटा सेंड कर देगा, और वो राउटर फिर चेक करेगा कि मेरे आईपी रेंज में वो डाटा मतलब एग्जिस्ट करता है वो डिवाइस जिसकी वो आईपी है। जब वो चेक कर लेगा तो फिर वो क्या है, वो उस पीसी को सेंड कर देगा। लेकिन अगर सपोज करते हैं हमारा ये एक राउटर है R1, R2, R3, और इस अभी इस राउटर को मैं कोई नाम नहीं दे रही, ठीक है, और इसके साथ कुछ पीसीज कनेक्टेड हैं डिफरेंट, इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, इधर भी कनेक्टेड है और इधर भी, और ये सारे के सारे आपस में भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस PC1 ने एक डाटा सेंड करना है और उसका आईपी एड्रेस उसने कोई स्पेसिफाई कर दिया है कि ये वाला आईपी एड्रेस है, मुझे वो डाटा सेंड करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी वो इस राउटर के पास, ये राउटर चेक करेगा कि हाँ भाई वो आईपी रेंज कौन सी है। अब इसकी आईपी रेंज हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 62 तक का कोई भी एक हम कर लेते हैं, वन से लेकर 62 तक जितने भी आईपीज हैं वो इसके पास हैं, 63 से लेकर 100 तक इसके पास हैं, और 101 से लेकर हम कह लेते हैं 254 तक इसके पास हैं, और इसके पास भी कुछ दरमियान में कह लेते हैं हमारे पास आईपीज हैं। तो अब क्या होगा, वो चेक करेगा कि आईपी रेंज कितनी है, इसका जो टेबल है राउटिंग टेबल वो इसके पास भी पड़ा होगा कॉपी, इसके जो है वो इसके पास पड़ी होगी, इसकी भी इसके पास पड़ी होगी, वो सब में चेक करेगा। अब सपोज कर लो वो है ही हमारा जो है यहाँ पे जो भी आईपी एड्रेस है वो कोई और ही नेटवर्क का है, 192.168.1.100 का है, और हमारे पास यहाँ पे जो चल रही है क्लास वो चल रही है ए क्लास का डाटा, ठीक है। अब वो हमारे है ही नहीं है, पूरे के पूरे किसी भी एक राउटर का है वो है ही नहीं है डाटा, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है वो डिफॉल्ट के पास चला जाता है, सपोज इसे मैंने डिफॉल्ट कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, डिफॉल्ट के पास गया। अब डिफॉल्ट जो है इसको चेक करेगा, और अब जब उसने चेक कर लिया कि हाँ भाई जब किसी के पास मैच नहीं कर रहा तो वो चेक करेगा कि क्या वो किसी और जो है नेटवर्क उसके साथ कनेक्टेड है जिसके अंदर डिफरेंट और आरपीज हैं, यानी राउटर्स लगे हुए हैं,
या कुछ ऐसा है जिसके उसका इन्फॉर्मेशन बड़ी है उसके पास किसी के पास, अगर वो नहीं कनेक्टेड है उसके पास यहाँ पे कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके साथ वो आईपी मैच कर रहा है तो उसे डिस्कार्ड कर देगा, लेकिन अगर उसके साथ कनेक्टेड है तो वो उस मतलब नेटवर्क के अंदर वो डाटा सेंड कर देगा। अब उसके लिए डाटा सेंड करने के लिए हमने राउटर्स में तो देख लिया था कि हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करते थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 10 वाला चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास 20 वाला चल रहा है, यहाँ पे 30 वाला चल रहा है, यहाँ पे 40 वाला चल रहा है, वो आपस में सबको कनेक्ट कर रहा है। लेकिन सपोज कर लो कि हमारा ये पूरा का पूरा नेटवर्क अलग गया और ये वाला नेटवर्क अलग गया। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था जैसे सर ने आज हम एग्जाम्पल करवाई थी, एक हमारे पास है PTCL वालों का, ठीक है, नेटवर्क एक है वो 3 वालों का और एक समझ लो माइक्रोनेट का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उनके पास अंदर राउटर्स के अंदर डिफरेंट क्लासेस के मतलब हमारे पास नेटवर्क्स चल रहे हैं, कोई ए क्लास का, कोई बी का है, कोई सी का है, वो डिफरेंट अपनी अपनी मर्जी से चला रहे हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ राउटर्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है और सारे राउटर्स जो है उनका टेबल एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा है, और राउटर यही काम करता है, वो स्पेसिफिकली अपने साथ शेयर करता है, और ये जितने भी है इनको हम कहेंगे ये सारे ऑटोनोमस नेटवर्क है, ऑटोनोमस नेटवर्क, और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं तो कहते होते हैं AS नेटवर्क्स हैं, ठीक है, हमारे ऑटोनोमस नेटवर्क्स। अब ये आपस विद इन द नेटवर्क तो सारे कम्युनिकेट कर लेंगे, विद इन द नेटवर्क तो हमारा राउटर जो है वो कम्युनिकेट करवा देगा। वो हम किस तरह करेंगे, हमने जो अपने लैब में काम किया हमने देखा है कि अगर हम लोग एक मतलब ड्रॉ कर रहे थे तो हम उसमें रिप यूज कर रहे थे, अब रिप जो है वो हम लोग एक राउटर में यूज कर रहे थे तो हम दूसरे में भी रिप की कमांड से लिख रहे थे, वो दोनों आपस में कनेक्ट करके डाटा सेंड कर रही थी। अगर हम OSPF दे रहे थे तो जितने भी हमारे नेटवर्क के राउटर्स थे उन सब में हम OSPF ही दे रहे थे, अगर हम DHCP कर रहे थे तो हम उसमें भी DHCP ही सबको यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आप अगर सपोज करते हैं कि ये जो है वो रिप पे काम कर रहा है और ये हमारा OSPF पे काम कर रहा है और ये कोई तीसरे पे काम कर रहा है, इसको भी रिप 2 कह देते हैं, ठीक है, ये version 1 है सपोज कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने ये तो नहीं ना देखा कि हमारा RIP 1 RIP 2 के साथ कैसे कनेक्ट करेगा, ये हमारा RIP 2 जो है वो OSPF के साथ कैसे कनेक्ट करेगा। अब वो जो जब चीज़ हमने करनी होती है तो उसके अंदर हमारे पास ये आता है कि हमारा एक जो राउटर होता है उसको हम कह देते हैं कि हमारा ब्रिज राउटर है, ब्रिज राउटर। अब ब्रिज राउटर का क्या काम है, ब्रिज राउटर भी अब ये तो नहीं कर सकता कि उसके पास हमारे पास डिफरेंट तरह के वो मतलब नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हम लोग कह देंगे उसके पास RIP 1 भी हो, OSPF भी हो, या RIP 2 भी हो। तो हम क्या करते होते हैं, हम एक डिफाइन कर देते हैं, जिस तरह हम कहते होते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड एक उसका हम लोगों ने प्रोटोकॉल क्रिएट कर दिया, या स्टैंडर्ड हमने उसका एक ऐसा कम्युनिकेशन के लिए क्रिएट कर दिया है कि एक राउटर जो होगा इसके ब्रिज पे होगा, उसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इधर कर दिया और इधर कर दिया, कहीं पे भी मतलब वो कनेक्टेड है। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर दो हमारे पास जो है वो नेटवर्क को कनेक्शन के लिए यूज़ होंगे, एक क्या होगा, एक वो वाला जो विद इन द नेटवर्क यूज़ हो रहा है उसके लिए, उसको सारा मतलब बड़ा होगा कि किस तरह कनेक्ट करना है, किस तरह नहीं कनेक्ट करना, क्यों, क्योंकि वो हमारा विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। टेबल बोल देना जी, ये टेबल नहीं है, ये हमारा जो नेटवर्क है वो एज अ हम लोग जैसे कह लेते हैं कि हमारा एक राउटर के ऊपर हम लोगों ने कमांड्स लिखनी होती है, ठीक है, उस राउटर के ऊपर कमांड्स होती है, उसके अंदर हमने जितनी भी कमांड लिखी है वो रिप की लिखी है, लेकिन साथ ही साथ रिप के साथ साथ उसके पास एक और होगा नेटवर्क या और कनेक्शन होगा उसके साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है वो होता है BGP, हाँ, इसके पास भी होगा BGP, ये एक स्टैंडर्ड है जो सबको कनेक्ट करेगा। अब सेम वही क्वेश्चन, हम लोगों ने BGP क्यों क्रिएट किया है, एक हम लोग इनको इसके पास RIP 1 है तो यहाँ पे हम OSPF दे देते तो वो इजीली इसके साथ कनेक्ट कर देता है, अगर यहाँ पे OSPF है इसके साथ RIP दे देते तो वो कनेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर हमारे पास एक से या दो एक मतलब ये दो आपस में तो कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन इससे ज़्यादा होंगे, जैसे तीसरा आ गया तो चौथा आ गया उसके पास डिफरेंट है, तो इतने सारों के लिए हमारे यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इजीली कनेक्शन क्रिएट हो सकते हैं इन सबके दरमियान, इन ज़रूरत नहीं है कि अब हम ये देखें कि यहाँ पे कौन सा यूज़ है, इधर कौन सा यूज़ है, इधर कौन सा यूज़ है, जब हमें पता है हमारा BGP जो है वो हर जगह कनेक्टेड है, हम इजीली दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, अब
ये हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। एक तो होता है इंट्रा डोमेन और एक होता है इंटर डोमेन। इंट्रा डोमेन में हमारे पास दो है, एक डिस्टेंट फैक्टर और एक लिंक स्टेट है, ठीक है। और हमारे इंटर डोमेन के अंदर हमारे पास एक ही है, वो है पास वेक्टर। अब अगर हम लोग देखते हैं लिंक स्टेट क्या होते हैं, इसके अंदर ये होता है कि हम पूरा का पूरा जो एड्रेस है ना वो देते होते हैं। और रिप के अंदर क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट होप के बारे में बताते होते हैं, ठीक है। और जो BGP है वो हमारा होता है कि हम लोग मतलब नेटवर्क जो नेट हमारा डिफरेंट एक नेटवर्क है उसके साथ कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं तो हमने OSPF की जो कमांड्स देखी थी उसके अंदर हमने देखा था कि हम लोगों ने किस तरह कनेक्शन वगैरह करना है। एक सेकेंड में दिखाती हूँ। मैं वो बाद में दिखा दूँ, मेरे पास अभी OSPF की कमांड्स नहीं है। OSPF में हम लोग बेसिकली क्या करते थे, हम लोग उसको एरिया डिफाइन कर देते थे कि ये एरिया 0 है या एरिया 1 है। तो वो हमारा एरियाज होता था, वो एक एरिया होता था या मल्टीपल एरियाज होते थे, वो हम लोग OSPF या सिंगल होता था या मल्टीपल होता था उसके अकॉर्डिंग उसे करते थे। तो उसमें हम पूरा एड्रेस बताते थे कि हमने किस एरिया में जाके काम करना है। और अगर हम लोग रिप का बात करें तो रिप के अंदर हम लोग सिर्फ एक नेटवर्क उसे डिफाइन करते थे कि ये हमारा नेक्स्ट जो होप है ना यहाँ पे हमने जाना है। और उसके बाद अगले मतलब उस नेटवर्क पर पहुँचने के बाद हम वहाँ पे अगेन डिफाइन करते थे इसके बाद हम लोगों ने कहाँ पे जाना है, ठीक है। ये चीज़ थी। अब हम लोग इंटर डोमेन और इंटर डोमेन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। ये जो है ये वर्क विद इन द डोमेन होता है और ये विद इन एंड बिटवीन द डोमेन होता है। जैसे यहाँ पे बात की है जो हमारा रिप है OSPF है या दूसरा है ये विद इन द डोमेन काम करेंगे, और ये जो हमारा BGP है ये हमारा विद इन अंदर भी काम कर रहा है और आउटसाइड द डोमेन भी काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे है ओनली नोन अबाउट द राउटर्स विद इन द डोमेन। अब ये वाला जो है हमारे पास रिप है वो सिर्फ ये जानते हैं कि इसके अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनके राउटिंग टेबल क्या है, वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं कैसे नहीं कनेक्टेड, ठीक है। और जो हमारा BGP है वो हमारा विद इन और बिटवीन द डोमेन्स जो है वो जानते हैं कि हमारे राउटर्स क्या हैं उनकी डोमेन्स क्या है। ये जानते ये जो रिप है ये जानते हैं कि जो विद इन द राउटर्स है उनकी ना मतलब रेंज क्या है, ठीक है। और ये जो है ये जानते हैं कि ये जितने भी नेटवर्क्स हैं इनकी रेंज क्या है, इनके अंदर जो IP एड्रेसेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है। अगर हम सपोज हम लोगों को जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिए कि इसने R1 ने डाटा सेंड करना है और इसका जो IP एड्रेसेस जो कि इस पूरे नेटवर्क के अंदर नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो डिफॉल्ट को सेंड कर देगा। और डिफॉल्ट के पास RIP1 का भी पड़ा होगा सारा मतलब जितनी भी चीज़ें हैं और BGP की भी पड़ी हुई। अब BGP के थ्रू वो चेक करेगा कि मेरे पास जो डिफरेंट बाकी नेटवर्क्स हैं उनकी IP रेंजेस क्या हैं, ठीक है। अगर वो कनेक्टेड है उन नेटवर्क्स के साथ तो वो चेक करेगा। अब उसे अगर अपने कनेक्शन के अंदर कोई भी एक ऐसा रेंज मिल जाती है जहाँ पे वो मतलब IP एड्रेस मैच कर देता है तो यहाँ से अपने डिफॉल्ट से जो दूसरे वाला नेटवर्क है उसके डिफॉल्ट को वो जो डाटा है वो सेंड कर देगा, ठीक है। अब ये जो डिफॉल्ट है अब ये चेक करेगा कि मेरे पास जो जितने भी राउटर्स कनेक्टेड हैं क्या उनमें वो IP एड्रेस फाउंड हो रहा है, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वो मिल रहा है वो उसे सेंड कर देगा, अगर वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी कहीं पे भी तो उसे डिस्कार्ड कर देगा। ये चीज़ होती है, ठीक है। अब आगे है इसकी जो राउटिंग डोमेन है उसे हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं और इसे हम एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं। इंट्रा जो है वो इंटीरियर है और जो इंटर है वो एक्सटीरियर है। और इंट्रा जो है वो विद इन ऑटोनोमस नेटवर्क से विद इन रहेगा और जो हमारा दूसरा है इंटर डोमेन वो हमारा बिटवीन ऑटोनोमस नेटवर्क्स होगा डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान, ठीक है। आगे है ये आउटसाइड द इंटरनेट जो होता है ये इग्नोर कर देगा, बाहर क्या काम हो रहा है इंटरनेट का क्या नहीं हो रहा उसे नहीं पता, वो नहीं देखेगा। और जो हमारा इंटर डोमेन है वो ये जूम करेगा कि हमारे पास जो है वो आउटसाइड दी जो नेटवर्क्स हैं उनके जितनी भी मतलब इन कलेक्शन है या इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास पड़ी होगी ताकि वो कनेक्शन को ईजी रख सकें। एग्जाम्पल अगेन वो इंट्रा डोमेन की एग्जाम्पल रिप है और OSPF है और दूसरे की BGP है। अब अगर हम लोग स्लाइड्स देखें तो अब ये चीज़ थी। अगेन ये जो जितने भी हैं ये डिफरेंट राउटर्स लगाए हुए। अब राउटर्स क्या है, साथ में हमने यहाँ पे उनके टेबल्स अलग बने हुए, हर राउटर का टेबल अलग है, ठीक है। और ये राउटर्स जो उसके नेबर्स हैं वो सिर्फ उनके साथ सेंड करेगा,
अगर जैसे ये डी के साथ सिर्फ एक नेबर ए है और कोई नेबर नहीं है, तो ये डी वाला राउटिंग टेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए के पास होगा, बाकी किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि उसके नेबर्स नहीं है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि मेरा मैं किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, और साथ में कॉस्ट भी बताई हुई है। अब कॉस्ट क्यों जरूरी होती है, हमें ये कॉस्ट लाजमी देखनी होती है, क्योंकि हम लोगों को जितना सस्ता काम होगा उतना अच्छा होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग ना हमारे डिफरेंट टाइप में मल्टीपल पाथ बन रहे हैं। अगर हमें ई तक, जैसे सर ने एग्जाम्पल ली थी, ए से बी पे जाएंगे, बी से ई पे जाएंगे, ए से सी पे जाएंगे, सी से बी पे, बी पे ई पे, अगर ए के सिर्फ पाथ होगा, जैसे डी और ए के दरमियान सिर्फ एक पाथ है, और वो किसी वजह से वो पाथ मतलब नहीं चल रहा, फेल्ड हो जाता है, तो क्या है, वो डाटा सेंड नहीं कर सकते हो। लेकिन सपोज कर लो यहाँ पे बी और ए के दरमियान जो है वो हमारा पाथ टूट गया है। ठीक है, लेकिन हमें बी को डाटा सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सी के थ्रू वो बी को डाटा सेंड कर देंगे। अगर बी और सी का भी दरमियान में पार्ट टूट गया है, तो हम ए से सी, सी पे ई और ई से बी पे डाटा सेंड कर सकते हैं। इसीलिए मल्टीपल पाथ होने का हमें फायदा होता है। ठीक है, अब ये सबके अपने अपने राउटिंग टेबल्स हैं जो कि उसके नेबर्स में है, सेंडेड है, और जहाँ पे हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जैसे डी है, अब वो डी ना सी से कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली, ना ई से कर सकता है, अब क्योंकि वो उसका नेबर नहीं है, तो उसकी कॉस्ट हो गई यहाँ पे इन्फिनिट है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है, यहाँ पे बताई नहीं गई हुई। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी को ए पे जाना पड़ेगा, बी पे जाना पड़ेगा, वो नेक्स्ट होप के थ्रू आ जाएगा, रिप के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग कॉस्ट को इन्फिनिट रख देते हैं, कि हो सकता है कि हमारा वो एक पाथ कैंसिल हो जाए, तो हमें दूसरा चूज करना पड़ेगा, वो हमें कॉस्ट डिफाइन नहीं होगी, हो सकता है। ठीक है, और डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग टेबल के, हाँ वही चीज़ आ गई कि वो जो नेबर्स के साथ उसके साथ सेंड करता है, बस यही चीज़ सर ने हमें करवाई थी, और उसके अलावा अभी तक हमने कुछ नहीं किया। और उसके अलावा जो सर ने हमें वीडियोज़ दी हैं उसके अंदर लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 15, 15B, 16 और 12A और 12B, मुझे यही मिले हैं जो लेक्चर सर ने हमें करवाए हैं अभी तक, और इनमें से 12A और 12B जो है वो देख लेना, क्योंकि ये वो TCP और UDP वाला है, तो ये शायद सर सुबह सुन लें, बाकी तो वैसे ही है जो हम लोगों ने पढ़ा है उनके रिलेटेड है, बस यही काम किया था आज। अल्लाह हाफिज़।